खबर नरसिंहपुर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कोविड-19 से हुई मृत्यु के आंकड़े आम जनता से छिपाने और प्रदेशवासियों को भ्रमित करने को लेकर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने एसपी ऑफिस पहुंचे नरसिंहपुर पूर्व विधायक और महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस सुशील जायसवाल, अतुल चौरसिया सहित सभी कांग्रेस कमेटी सदस्य। इस बीच पूर्व विधायक और महामंत्री कांग्रेस कमेटी सुनील जायसवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज की कि उन्होंने सही आंकड़े जो महामारी कोरोना की फैली हुई थी जिसके कारण जो समय जिन लोगों की मौतें हुई उनकी संख्या को उन्होंने सरकार के सामने रख दिया। उस बात को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने उन पर एफआईआर लॉन्च की है जिसका हम विरोध करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है। क्या ये लोकतंत्र की हत्या करने की जो साजिश की जा रही है? यही नहीं, मध्य प्रदेश में जो कोरोना की दूसरी लहर आई है वो शासन की लापरवाही से आई है। हमारे शासन प्रशासन ने समय रहते कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में बेडों की ऑक्सीजन की और दवाइयों की जो व्यवस्था करनी थी वो नहीं की, जिसकी वजह से कोरोना की दूसरी लहर में जो मरीज व्यक्ति थे उनको समय से इलाज नहीं मिल पाने के कारण उनकी असमय मौत हुई। उन सभी मौतों के जिम्मेदार और दोषी हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ठहराते हैं। उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने हम लोग एसपी ऑफिस आए थे। वो इस मुकदमे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर लॉन्च करें और हमारे प्रतिपक्ष नेता कमलनाथ जी पर जो एफआईआर लॉन्च की है वो निरस्त करें या हम इस मुद्दे को उठाने आए हैं हमारे ऊपर भी लॉन्च करें। अवगत कराना चाहते हैं आपके माध्यम से क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मुखिया की लापरवाही उजागर हो गई है। समय पर मरीजों को तो बढ़ोतरी हुई लापरवाही के कारण, उसके बाद लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिली, जगह मिल रही तो ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन भी मिल रही तो रेमडेसिविर के जैसे इंजेक्शन नहीं उपलब्ध हो पाए जिसके कारण असमय लोगों की मौतें हुई। जो खुले में अपनी जो खत्म हुए हैं 20-25 हम लोगों ने सब आंकड़े जुटाए हैं कुछ जब रखे हुए हैं सारे जिले में हमने कहाँ कहाँ नुकसान वार्डों में कितनी मौतें हुई हैं, कितना दाह संस्कार हुआ है जैसे लोगों को वो भी आंकड़े वो सरकारों के आंकड़ों से बिल्कुल मिल नहीं जाते। कम से कम 10-20 होने जाते हैं लोग तो जो छुपाया गया है। आज हमारे प्रतिपक्षी नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने यही बात कही है तो इसमें यूट्यूब पर FIR दर्ज कराने के लिए वहाँ पर FIR दर्ज करा दिया है। आज हम आप लोग के पास आए बोलने के लिए, आप हमारे ऊपर भी करा सकते हैं, वे भी हम लोग सभी तैयार। यदि विपक्ष में हम लोग हमारा तो अधिकार बोलने का जनता के सामने वास्तविकता लाने का, जनता ने हमें जिम्मेदारी की जवाबदेही दी है, हम गलत बात नहीं बोले। किस विषय को लेकर कल मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी के ऊपर एक FIR दर्ज की गई कि उन्होंने सही आंकड़े जो महामारी कोरोना की फैली हुई थी उसके माध्यम से जिन लोगों की मौतें हुई हैं उसकी संख्या को उन्होंने कल सरकार के सामने रख दिया। उस बात को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने उनको FIR लॉन्च की, उसका हम एक तो विरोध करने आए हैं। क्या लोकतंत्र में प्रतिपक्ष के नेता को या विपक्ष के नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या करने का जो साजिश की जा रही है इसका हम लोग विरोध करने आए हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो शासन की लापरवाही के माध्यम से आई है। हमारे शासन प्रशासन ने उचित समय में व्यवस्थाएँ नहीं की, जो हमको बेडों की व्यवस्था करनी थी अस्पतालों में वो नहीं की, ऑक्सीजन की जो व्यवस्था करनी थी वो नहीं की, दवाइयों की जो व्यवस्था करनी थी वो नहीं की, जिसके कारण दूसरी लहर में जो आए प्रताड़ित व्यक्ति थे जो मरीज थे उनको समुचित इलाज नहीं मिल पाया जिससे वो असामयिक उनकी मौतें हुई हैं। उन मौतों के जिम्मेदार हम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को हम दोषी ठहराते हैं और उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम लोग माननीय SP साहब के पास आए थे कि वो इस मुद्दे पर FIR लॉन्च करें मुख्यमंत्री के खिलाफ और हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी के ऊपर वो FIR लॉन्च जो की है वो निरस्त करें या हम लोग भी आज इस मुद्दे को उठाने आए तो हमारे ऊपर भी FIR लॉन्च करें। सर, प्रेस के माध्यम से आपका परिचय चाहूँगा। जी, परिचय चाहूँगा सर। मैं सुनील जायसवाल, पूर्व विधायक नरसिंहपुर और महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।